बारह गांव का चौधरी, 80 गांव का राव, अपने काम न आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। यह एक लोकोक्ति है, तो इसका अर्थ आप लोग बताइए। वीडियो के ड्यूरेशन में इसका आंसर दूंगा, जब एक क्वेश्चन आएगा लोकोक्ति पे तब। हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे हिंदी भाषा ज्ञान का पार्ट नंबर 60। अब लेक्चर आपको किसी भी एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा, और आज नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा मैं ज़्यादा ले लिया हूं, इसीलिए उतना डीप में आज जो है से आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। 50 क्वेश्चन है, PDF इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 से 4 तक आपको संधि विच्छेद करना है, रमेश का है, तो इसका रमा जोड़ इस हो जाएगा, रमेश। इसमें देखिएगा रमा आ और इसमें बड़ी है, तो बड़े मिलके यहाँ पे रमे ए लगा है ना, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा गुण संधि। गुण संधि का यह नियम होता है, तो आंसर इसका बी है। नेक्स्ट देखिएगा पावन का जो है से संधि विच्छेद बताना है, तो यह पौ जोड़ अन हो जाएगा पावन। अगर पवन का पूछेगा तो संधि विच्छेद, तो पवन का होता है पौ जोड़ अन, दोनों में डिफरेंस है, औकार एक ओकार होता है, तो पौ जोड़ अन पवन हो जाएगा, पौ जोड़ अन पावन हो जाएगा, आयातित संधि है दोनों में। उल्लास का संधि विच्छेद हो जाएगा उत् प्लस लास, इसमें व्यंजन संधि है। कुशासन का देखिएगा संधि विच्छेद होता है कुश जोड़ आसन, आंसर इसका बी हो जाएगा कुशासन। और कुशासन में देखिएगा तो आप लोग अव्ययी भाव समास भी है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें दीर्घ संधि आपको देखने को मिलेगा, संधि दीर्घ है और समास इसमें अव्ययी भाव है, कुल लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको विलोम शब्द बताना है, श्री गणेश का इति श्री होता है ना, श्री गणेश मतलब होता है शुरू करना और इति श्री का मतलब होता है कोई चीज़ को समाप्त करना, आंसर इसका बी हो जाएगा। मानव को उल्टा दानव हो जाएगा, राक्षस और दैत्य इसके पर्यायवाची शब्द हैं। मधुर का विलोम शब्द हो जाएगा कटु ना, देख लीजिएगा, आंसर इसका डी है। गमन का हो जाएगा गमन का आगमन, गमन मतलब जाना होता है, आगमन मतलब आना होता है, आंसर इसका सी है। सुलभ का दुर्लभ होगा, सुलभ मतलब जो आसानी से आपको मिल जाए, दुर्लभ मतलब जो आसानी से न मिले, ओके ना, आंसर इसका सी है। अप्राप्य मतलब होता है जिसको प्राप्त न किया जा सके, और कष्ट साध्य का मतलब होता है जो कष्ट, जिसको मतलब प्राप्त करने में आपको काफ़ी ज़्यादा कष्ट हो, उसको लगता है कष्ट साध्य, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो पता होगा यथाशक्ति हो, प्रति मास हो, प्रतिदिन हो, ये सब अव्यय होते हैं, तो अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें द्वितीय पद और द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होता है, टोटल 6 भेद होता है समास का। जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान रहता है और द्वंद में जो है दोनों पद प्रधान होता है, दोनों, ओके, और इसमें सिर्फ पहला पद और तत्पुरुष समास में सिर्फ दूसरा, और इसमें दोनों, एक और दो दोनों प्रधान होता है, ओके, आंसर इसका बी है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है, हाथों हाथ, राजाध्यक्ष है, पर्वतारोही है, फिर सौभाग्य है, आंसर इसका डी हो जाएगा, सौभाग्य में कोई समास नहीं है। हाथों हाथ होगा, हाथों ही हाथ में, इसमें आपको देखने को मिलेगा अव्ययी भाव समास। और दूसरी बात है राजाध्यक्ष है, राजाध्यक्ष में आपको देखने को मिलेगा राजा का अध्यक्ष या निकाके के आ रहा है, तो यहाँ पे आपको तत्पुरुष समास होगा। पर्वतारोही में अभी आपको हो जाएगा तत्पुरुष समास, आंसर इसका डी है। करा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा, उपसर्ग धातु के पहले लगता है, मूल शब्द को धातु कहा जाता है, तो इसमें आपको लगेगा क्रय, तो विक्रय अगर करते हैं, वी अगर प्रत्यय लगाते हैं क्रय में, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्रय मतलब खरीदना, जिसको आप लोग CP बोलते हैं, और विक्रय का मतलब हो जाएगा SP यानी कि सेलिंग प्राइस। इनमें से कौन सा शब्द में या पद में बोलिए एक प्रत्यय लगाने से बने शब्द का पद गलत है, यानी कि इसमें आपको बताना है कि एक प्रत्यय लगाने पर गलत शब्द बना हुआ है, तो भौमिक में भूमि में एक लगा हुआ है, भूमि में एक प्रत्यय लगा हुआ है, दैविक में आपको लगा हुआ है देव जोड़ एक दैविक, सामाजिक में समाज जोड़ एक लगा हुआ है, लेकिन पक्षिक नहीं होता है ना, इसमें अगर पक्ष में हम लोग एक प्रत्यय लगा दें तो इसमें पाक्षिक बनता है एक शब्द, इसको देख लीजिएगा, पाक्षिक न कि पक्षिक ना, सही शब्द इसका एक प्रत्यय लगाने पर पाक्षिक बनेगा न कि पक्षिक, आंसर इसका ए है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो चतुर प्लस आई, चतुराई होता है, तो आई प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, चतुर इसमें मूल शब्द है ना, तो में छोटी वो। अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अनुपसर्ग है, अनु का मतलब होता है समान, ओके ना, एक समान या एक जैसा आप लोग बोल सकते हैं, तो अनु का मतलब समान होता है, रूप मतलब रूप, यानी जिसका रूप एक समान हो उसको अनुरूप बोल सकते हैं। खाट का तत्सम हो जाएगा आपको खटवा ना, इसका तत्सम खटवा होता है, खाट एक बोल सकते हैं, तद्भव है। पन्ही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो पन्ही का जो होता है वह होता है आपका उपान, और ये पन्ही मतलब होता है उपान मतलब जूता ना,
जूता है, पर्ण पता होता है, और तांबुल देखिएगा पान होता है। ओके चलिए, ओके दाहिना का तत्सम रूप क्या है? तो दाहिना का होता है दक्षिण, यानी कि दाहिना एक तद्भव है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको चुनना है, चाम है, धर्म है, पर्ण है, फिर विष्णु है। तो तद्भव शब्द आपको देखने को मिलेगा इसमें चाम, इसका तत्सम चर्म होता है ना, चर मतलब चमड़ा, चाम आप लोग समझिएगा। आंसर इसका ए है। तो धर्म जो हो गया तत्सम है इसका ना, आपको देखिएगा तद्भव रूप धर्म हो जाएगा, और पर्ण तो बताया था पत्ता होता है, तत्सम है पत्ता इसका तद्भव होगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें जो आंसर होगा वह तो सब गलत है। यहाँ पे आंसर देखिएगा, पंछी जो होता है एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पक्षी होता है, तो क्वेश्चन ही गलत था। पंछी है तत्सम, उसका तद्भव पक्षी होता है, इसको ध्यान रख सकते हैं। उंगली का तद्भव कौन सा है? तो उंगली है उसका तद्भव होगा उंगली ना, इसको देख लीजिएगा। तो उंगली जो है तत्सम है, तद्भव उसका उंगली होगा, उंगली और उंगली। दौड़ना क्रिया से बनने वाला भाववाचक संज्ञा कौन है? दौड़ना से दौड़ हो जाएगा ना, आंसर इसका बी हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द यानी कि सिमिलर आपको चूज करना है, तो अरविंद हो जाएगा कमल का पर्यायवाची शब्द। अरविंद होता है, राजीव भी होता है बताया था, पंकज भी होता है, जलज भी होता है, सरोज भी होता है, सब जो है से कमल के ही पर्यायवाची शब्द हैं। मदन देखिएगा कामदेव को बोला जाता है, और अचल का मतलब स्थिर होता है, और मयंक जो होता है वह चंद्रमा के लिए यूज होता है, चंद्रमा बोलिए या शशि बोलिए, आंसर इसका ए है अरविंद। द्रव्य, द्रव्य लिखा हुआ है तो इसका जो होगा सभी हो जाएगा इसके पर्यायवाची, संपत्ति विभूति सब होता है द्रव्य का मतलब। यह द्रव और यह द्रव्य अलग अलग है, इसका मतलब मैटर होता है, अगर अंग्रेजी में आपको बताऊं तो यह मैटर होता है, और इसका मतलब होता है लिक्विड। ओके दोनों में डिफरेंस याद रखें। अतनु का क्या अर्थ है? तो अतनु का जो अर्थ होता है वह होता है कामदेव ना, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ईश्वर भगवान होते हैं, कृष्ण काला होता है, बसंत तो एक मौसम का नाम है। स्वर्ण का हो जाएगा आपका ताम्रस, तो ताम्रस इसको बोला जाता है। बाकी कलित का अर्थ देख लीजिए, इसका मतलब होता है सजाना। अवतंस का मतलब होता है माला, और जो जाति रूप होता है इसका मतलब होता है शारदा, शारदा या सरस्वती माता जी। ओके आंसर इसका हो गया डी, ताम्रस होता है स्वर्ण, सोना बोलते हैं, कनक। अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो पावक होता है, अनल होता है, वहीन होता है, और फिर ये सभी, तो सही सभी हो जाएगा आंसर, पावक, अग्नि, अनल, आग, सब होता है इसके पर्यायवाची, आंसर इसका डी है। जिसका कोई शत्रु न हो उसको अजात शत्रु कहा जाता है। आपको आ गया एक शब्द का चयन करना है, अनेक शब्दों को बदला एक शब्द चुनाव करना है, ठीक है। अजात शत्रु बिम्बिसार के पुत्र थे, जो कि हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे। जो व्याकरण जानता है, क्वेश्चन ना बहुत गड़बड़ करते हैं लोग, जो व्याकरण जानता है उसको लोग व्याकरणिक बोल देते हैं, यह गलत है, व्याकरण उसको बोला जाता है ना, आंसर इसका ई हो जाएगा, व्याकरण। जिसे ईश्वर ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं आप लोग, ठीक है, और जिसे विश्वास ना हो उसे नास्तिक कहा जाता है। 32 से लेकर 34 तक आपको सही वर्तनी का जो है चुनना है। ताही की मारे बिनु भगवंता, खर दूषण सो संबलवंता। देखिए ये जो आपको देखने को मिल रहा है कथन, तो यहाँ पे रावण कह रहा था कि ताही की मारे बिनु भगवंता, खर दूषण मो सम बलवंता, यानी खर दूषण को जो आपको पता होगा पंचवटी में उनको हत्या कर दिया गया था राम के द्वारा, तो वो बोल रहा था कि उन लोग को कौन मार सकता है बिना भगवान के, खर दूषण तो मेरे समान समान ही बलवान है, तो कोई मानव जो है से मारा नहीं है, ठीक है, कोई ईश्वर ही रूप होगा। ओके आंसर इसका भी है, सम भई घनश्याम नाय, यानी कि सॉरी साम भई घनश्याम नाय होगा, यानी कि साम जो है से हो गया है लेकिन घनश्याम अभी तक नहीं आए हैं। जिन बी थी न बीर बिहरहीन दो भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई, यानी कि जो पता होगा कि जिसके दो भाई जो है से घर में नहीं हो तो सारे लोग थके हारे लगते हैं, निराश लगते हैं, आंसर इसका बी होगा। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, तो यहाँ पे आंसर तो दो हो जाएगा, पत्नी भी शुद्ध लिखा हुआ है और शत्रुघ्न भी, यहाँ पे शत्रुघ्न भी यहाँ पे सही लिखा हुआ है, शत्रुघ्न होता है ना, देख लीजिएगा। ईर्ष्या सही कैसे लिखा जाता है? तो ईर्ष्या इस तरह से लिखा जाता है। ओके
और कवित्री में देखिएगा कवित्री होता है। ओके, इस तरह से सुदरूप लिखा जाता है। शत्रुघ्न और पत्नी दोनों सही है, क्वेश्चन मिस्टेक है जहां से उठाया हूं। दवाइयां गुरु नीति या फिर मयंक, मयंक लिखा हुआ है, तो इसका जो सही रूप होगा वह होगा आपका ए, दवाइयां यहां पे सही लिखा हुआ। यह गुरु जो है ना, आप लोग देखिएगा ऐसे संस्कृत में जो है यह सही है, लेकिन हिंदी में इसको सही नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये जो गुरु होता है यह द्विवचन में प्रयोग होता है, द्विवचन में प्रयोग होता है संस्कृत में, और आपको हिंदी भाषा में अगर देखिएगा तो एक वचन के बाद सीधे ऐसे बहुवचन हो जाता है, द्विवचन नाम का चीज इसमें नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे सही नहीं मानेंगे, दवाइयाँ को सही मानेंगे। ओके, बाकी सारे वर्ड गलत हैं। नीति देखिएगा तीसरे से लिखा जाता है नीति। ओके, और मयंक पता होगा य पर लगता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुस्वार, और जो चंद्रबिंदु होता है उसको अनुनासिक बोला जाता है। आशीर्वाद गुरु मयंक और फिर बधाइयाँ, तो आंसर इसका जो सही होगा वह सी हो जाएगा, मयंक यहाँ पे सही लिखा हुआ है। ओके, अब ऐसे देखेंगे तो गुरु भी सही है, यहाँ पे ना क्वेश्चन गड़बड़ है, गुरु भी सही है हिंदी में, इसको सही मानेंगे, वो जो बड़ी बोला था उसको सही नहीं मानेंगे। ओके, जो कि मैं यहाँ पे बताया था, क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ भी। बधाइयाँ गलत है, यहाँ पे रेप होना चाहिए, और आशीर्वाद में इस तरह से आशीर्वाद लिखा जाता है, तलाबे सौ में यहाँ पे बड़ी की मात्रा होगा, आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर है? आंसर इसका सही है, मयंक यहाँ पे सही लिखा हुआ है। अक्षर का आपको सही बताना है, तो अक्षर तो यह है, बहुत इजी है क्वेश्चन ये। अब आपको मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ बताना है। कलम तोड़ना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लिखना, नहीं बोलते हैं कलम तोड़ के लिख दो, यानी कि बहुत ही अच्छा लिखें, आंसर इसका भी है, ज़्यादा लिखना नहीं होगा। आँखों का काटा होना, इसका मतलब होता है शत्रु होना ना, जिसे कोई बोलता है ना फुटल आँख भी नहीं सुहा रहा है। अधजल गगरी छलकत जाए, वही होता है अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, इसका मतलब होता है डिंग हकना, यानी कि आपको पता नहीं है किस सिर्फ आप बोले जा रहे हैं कि हमको ये आता है तो हमको वो आता है। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना होता है ना छोटी आयु में बुद्धिमान होना, यानी कि कोई बहुत ही ज़्यादा छोटा है और उसको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, तो उसको बोलते हैं कि उसका पेट में दाढ़ी आ गया, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, छोटा उम्र में ही यूज किया जाता है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो हाथी का पाँव पता है बहुत विशाल होता है, तो इसमें से होता है बड़ों के रहते छोटों को क्या पूछना, यानी कि शादी का जब मौसम चलता है जो कार्ड होता है वो सिर्फ बड़ों के नाम से आता है, छोटे लोगों को कौन पूछता है, वे तो साथ में चले जाते हैं, ठीक है, तो यही होता है बड़ों के रहते छोटों को क्या पूछना, तो हाथी के पाँव में सबका पाँव। एक अनार सौ बीमार, सबको जानता होगा, किसी वस्तु की पूर्ति कम है किंतु मांग अधिक है, एक अनार सौ बीमार। चलिए अब शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, मेरे को घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना, यही सही वाक्य है, मुझे घर जाना है, यहाँ हरे भरे लहराते खेत सही यहाँ पे वाक्य हो जाएगा। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, मैंने एक साल तक उनकी प्रतीक्षा की देखी, यह काम आप पर निर्भर करता है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, यही सही वाक्य है। मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, मैं आपका पत्र धन्यवाद, आपका पत्र मिला धन्यवाद, शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए या फिर उपयुक्त सभी, आंसर इसका डी हो जाएगा, सारा वाक्य इसमें शुद्ध है। क्वेश्चन 50 में कहता है कि लोकोक्ति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। लोकोक्ति होता है ना लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, तो यह लोगों में काफ़ी प्रचलित होता है, आप लोग देखे होंगे इसको, आप लोग कहावत के नाम से जानते हैं, मुहावरा अलग है, तो लोकोक्ति को कहावत ही बोला जाता है, तो यह लोगों में प्रचलित होता है, तो उसका अर्थ होता है यहाँ पे जो देखा है, देखिएगा कि लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी होती है, सही बात है, लोकोक्ति किसी विशेष स्थान पर प्रचलित हो जाने वाला कथन है, लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय दोनों होता है, यह एक वाक्यांश नहीं होता है भाई, एक पूरा का पूरा वाक्य होता है, वाक्यांश नहीं होता है, आंसर इसका सी हो जाए, लोकोक्ति वाक्यांश नहीं, एक वाक्य ही होता है, ठीक है, तो आंसर इसका सी है। शुरू में बताया था एक लोकोक्ति था, 12 गांव का चौधरी 80 गांव का राव, अपने काम न आवे तो ऐसी तैसी में जाओ, इसका अर्थ होता है कि अगर बड़ा होकर किसी के काम नहीं आ सके तो आपके बड़प्पन का क्या अर्थ है, बड़प्पन तो नहीं बोल सकते हैं, बड़ा होने का क्या अर्थ है, यानी कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लगा जाती दूर, तो वही इसका अर्थ होता है, उस जो आपको कहावत पूछा था या फिर जो लोकोक्ति दिया गया था उसका। ओके, तो आंसर मिल गया, तो लोकोक्ति का वाक्यांश नहीं होता है, एक वाक्य ही होता है, तो शॉर्ट टाइम में 50 क्वेश्चन कवर कर दिया। ओके, ज़्यादा मैं नहीं चाहता था कि इस वीडियो को लंबा करूँ, नहीं तो एक घंटा से पार हो जाता, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, PDF जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें अगर अच्छा लगता है कुछ फ्रूटफुल चीज़ें तो, और शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, वंदे भारतम, जय हिंद।